निकी तंबोली का कल का बिहेवियर देख के दोस्तों कुछ तो बोलना बनता है। एक बात जो कि ये है कि राहुल के लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा है खास। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं तो बिग बॉस की ही एक एक्स कंटेंडर ने 100% श्योरिटी के साथ बोल दिया है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, शायद कोई सीक्रेट लव, शायद कोई सीक्रेट क्रश जो कि निकी तंबोली के दिल में चल रहा है। दोस्तों आपको बता दूं तो वो और कोई नहीं है बल्कि बिग बॉस सीजन 12 में आई खूबसूरत बाला रोशमि बानिक है, जो कि पहले हफ्ते निकल गई थी, पहले नहीं दूसरे आई गेस दूसरे हफ्ते ही निकल गई थी, फिर उनकी बदले सुरभि राणा आई थी अगर आपको याद होगा तो। सो यहाँ पर रोशमि बानिक जो है जो कि अपने अपने उसमें बिग बॉस के उसमें अच्छा नहीं कर पाई थी परफॉर्म, कुछ भी नहीं कर पाई थी एक्चुअली, वो कहती हैं निकी तंबोली इज इन लव विद राहुल वैद्य आफ्टर हर क्राइंग 100% श्योर। जी हाँ, वो ट्वीट करती हैं देवलीना भट्टाचार्य जी हैज अ क्रश ऑन राहुल वैद्य, शी सेड दिस इज दिस टू राखी सावंत, अर्शी इज इनसिक्योर ऑफ निकीज फ्रेंडशिप विद राहुल, इन प्यार को मैं क्या नाम दूं। ठीक है, इस तरीके से रोशमि बानिक जो है वो ट्वीट करती है और कहती है कि कुछ तो चल रहा है। वैसे आपको बता दो दोस्तों तो अभिनव शुक्ला बिग बॉस के ऐसे यहाँ पे कंटेंडर है इस सीजन के, जहां पर राखी सावंत उनके पीछे, अर्शी स्टार्टिंग में आई थी उनके पीछे है, फिर हमने निकी को देखा था कि निकी गाना गाती है यू आर माई सोनिया अभिनव के लिए। सो वो तो शादीशुदा है और उसके बावजूद जो है यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं, और राहुल तो शादीशुदा भी नहीं है, उसने तो जस्ट अभी प्रपोज किया है दिशा परमार को। तो यहाँ पर दोस्तों रोशमि बानिक जो है वो कहती हुई नजर आई है कि कुछ तो चल रहा है भैया, और ये 101% श्योरिटी के साथ कह रही है कि देखिए निकी तंबोली जो है प्यार में है। So, दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आपको भी यही लगता है सेम, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज।